अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। ऋषि वो रिंग रिंग वहां पे। ओके 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 लिसन एवरीबॉडी, खूबसूरत बहन के काबिल भाई ने रिंग ढूंढ ली है, तालियां। चलो मुस्कान बेटा, अब ज्यादा इंतजार मत करवाओ। अनिरुद्ध ने इस पल के लिए हमें बहुत तरसा है। नहीं नहीं मी रिंग सेरेमनी शुरू कीजिए।
Are you okay? Yes, God. Oh, shut up. Mr. Rohan, are you all right? Are you okay, sir? मुस्कान नहीं है रोहन। जानता था कि तुम ये सब नहीं कर पाओगी। मुस्कान। हाँ रोहन, नहीं कर सकती मैं ये सब। नहीं निभा पाऊंगी मैं ये रस्म। नहीं निभा पाऊंगी मैं ये नया रिश्ता। प्लीज मुझे रोक लो रोहन, प्लीज मुझे रोक लो। ठीक है, पकड़ लो मेरा हाथ मुस्कान, कह दो इन सबसे कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। क्या हो दीदी मुनी, हमने आपको गुड मॉर्निंग बोला, आपने जवाब नहीं दिया, क्या हुआ? आप किसी बात से परेशान हो? नहीं, वो कल रात में घर में फंक्शन था ना, शायद इसलिए मैं थकी हुई हूँ। अच्छा सुन, वो कल अनुष्का और रोहन भी आए थे ना, रोहन यहाँ काफी देर तक रुका था कि वो जल्दी निकल गया। रोहन दादा बाबू भी जल्दी जाने के लिए निकल गया था, पर बाहर गेट के पास के सामने क्या रोहन दादा बाबू बेहोश हो गया। क्या बेहोश हो गया? तो कैसे? तुमने मुझे उस वक्त बताया क्यों नहीं बताई? किसी और ने मुझे क्यों नहीं बताया कि रोहन कैसा है, वो कहाँ है? वो दीदी मुनी था ना रोहन दादा बाबू के साथ, उन्होंने रोहन दादा बाबू को अस्पताल ले गया अपना गाड़ी पे। मुझे रोहन को फोन करना चाहिए। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच्ड ऑफ। रोहन का फोन ऑफ क्यों हो रहा है? पता नहीं वो इस वक्त किस कंडीशन में होगा। रोहन की कंडीशन के बारे में हम तभी बता पाएंगे जब हमें उनके पास्ट की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता होगा। क्या रोहन इससे पहले कभी ऐसे बेहोश हुए? नहीं डॉक्टर साहब, नॉर्मली वो बहुत फिट है, जिम भी जाता है रेगुलरली। लेकिन हाँ, कुछ सालों पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसे हेड इंजरी आई थी और वो अपने पिछले कुछ सालों का मेमोरी भूल गया। ये उसकी फाइल है। यू मीन एमनेसिया? आपने मैं पहले क्यों नहीं बताया? देखिए, रोहन के बेहोश होने के पीछे उसके बीते हुए दिनों की कुछ यादें हैं। इन्हें याद करने से शायद उसके दिमाग पे जोर पड़ता है और इसलिए वो बेहोश हो गया। डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएगा ना? रिलैक्स भी दीदी, रिलैक्स। देखिए, हमें कुछ मेडिकल टेस्ट करने होंगे और हाँ, हम उस डॉक्टर से मिला हुआ जिन्होंने पहले रोहन का इलाज किया हुआ है। हाँ, एक मिनट। डॉक्टर अनिरुद्ध, इन्हें तो जानता हूँ मैं। ओके, मैं फोन करता हूँ। हेलो, ये डॉक्टर अनिरुद्ध? यह है डॉक्टर पाटिल है।
रोहन का फोन ऑफ क्यों आ रहा है? कैसा होगा वो, कहाँ होगा? ठीक तो होगा, मुझे इस वक्त उससे बात करनी है। मैं दीदीमणि, वो दूसरा दीदीमणि है ना रोहन दादा बाबू के साथ, अनुष्का। हाँ हाँ हाँ, आप उनसे फोन पे बात कर लो ना। हाँ, उसे तो पता होगा कि रोहन का। हाँ ये कैसे हो सकता है, मुस्कान और रोहन एक दूसरे के साथ? कब हुआ ये और ये कब की पिक्चर हो सकती है? फोन क्यों काटती? मैं फिर से फोन करती हूं। हेलो अनुष्का, वो मैं रोहन कैसा है? वो मुझे पता चला कि कल रोहन बेहोश हो गया था। वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो? उसका फोन ऑफ आ रहा है। प्लीज मेरी रोहन से बात कराओ अनुष्का, प्लीज। वो ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटल में अभी। डॉक्टर ने कहा है उसको आराम करने की जरूरत है। और हाँ, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है मुस्कान। मैं बाद में बात करती हूँ मुस्कान, बाय। हेलो, अब हॉस्पिटल, रोहन हॉस्पिटल में निताई। वो अनुष्का ने मेरा फोन क्यों काट दिया? अनुष्का ने मेरा इस तरह फोन क्यों काट दिया? नहीं क्यों निताई, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आई होप कि रोहन ठीक है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या? हाँ, कल रोहन घर के बाहर बेहोश हुआ था। इसका मतलब कि उसे सिटी हॉस्पिटल लेके गए होंगे, क्योंकि वो घर के सबसे पास है। मुझे जाना होगा, मुझे रोहन से मिलने जाना होगा। गुड मॉर्निंग नर्स, क्या बात है? आपने मुझे अर्जेंटली बुला लिया। आपको पता ना मेरी अभी भी एंगेजमेंट भी है। सर, पेशेंट का ट्रीटमेंट आप ही ने किया था, इसलिए आपको बुला लिया। कोई बात नहीं। पार्टी में तो सब ठीक था ना? आई मीन तुम लोग ठीक ठाक थे, फिर अचानक क्या हो गया उसे? एंगेजमेंट पार्टी से बाहर निकलते ही पता नहीं रोहन को अचानक से चक्कर आने लग गए और बेहोश हो गया। अच्छा, यू नो एमआरआई रिपोर्ट के हिसाब से रोहन का दिमाग हाइपर एक्टिव स्टेट में चल रहा है। यानी एक पल में उसके दिमाग में कई सारे चीजें चल रहे, कई सारे ख्याल उसके दिमाग में आ रहे, और उसी वजह से, इतना सोचने की वजह से उसके दिमाग पर जोर आया और वो बेहोश हो गया। मुझे लगता है हमें उसे आराम करने देना चाहिए। एक बार उसे होश आ जाता है देन आई स्टार्ट ट्रीटमेंट, नॉट टू वरी। अनिरुद्ध, रोहन ठीक तो हो जाएगा ना? मैं आ गया हूँ ना, अब कुछ घबराने की बात नहीं। I'll make sure he's okay. अब बाहर चलते हैं, इसे आराम करने देते हैं, okay? मैं आप लोगों का बाहर इंतजार करता हूं। समझ में नहीं आ रहा कि रोहन अचानक इस
इस हाइपर एक्टिव स्टेट में कैसे पहुंच गया? ऐसा क्या चल रहा है उसके दिमाग में जो इस वक्त वो इस हालत में? नर्स, ये कौन सी दवाइयां लानी है आप मुझे बता दीजिए। बैठी मैं जरा डॉक्टर से मिल के आता हूँ। टी कॉफी रिलैक्स। मुस्कान फातिमा मियां कैसे? वो अनुष्का ने कहा था कि रोहनिया हॉस्पिटल में। क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? हाँ मुस्कान वो ठीक है। एक्चुअली क्या हो गया ना, वो एंगेजमेंट के बाद जब हमारे घर से बाहर जा रहा था तो उसे चक्कर आ गई और वो बेहोश हो गया। अभी भी बेहोश है वो। अभी भी? I mean, क्यों? वो ठीक तो है ना? एक्चुअली उसके वो बहुत प्रेशर ले रहा था तो हमने उसे आराम करने की दवाई दी। एक बार होश में आ जाएगा तो फिर पता चलेगा उसे हुआ क्या था। मैं उसे देख सकती हूँ? अच्छा आइए।